हे गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम जाएंगे विष्णु भगवान के मंदिर जो कि हमारा गांव में ही है। मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर जाना पड़ता है विष्णु भगवान के मंदिर। आज उधर हम यज्ञ है इसलिए मैं सुबह से कुछ खाया और पिया भी नहीं हूँ, तो ऐसे ही जा रहा हूँ पूजा देने के लिए। थोड़ी दूर के बाद मेरा फ्रेंड को ले लिया है और उनको लेकर हम जा रहे हैं विष्णु भगवान के मंदिर। ये मंदिर एक गाँव के भीतर है जो कि चारों तरफ गाँव है और उसका अंदर ये मंदिर है। और ये मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है उसको वही मिल जाते है, ये सब कहते हैं। यहाँ पर हो रहा था गीता भगवत पाठ और यहाँ पर सब लोग दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं। यही है विष्णु भगवान की मंदिर। ये मंदिर है वेस्ट बंगाल के अंदर जिला कुचबिहार प्लेस सीताई और पहाड़बाड़ी गांव में। ये मंदिर जो चलाते हैं वो है 7 गांव का कमिटी गठन करवा के चला रहा है। लगभग 3-4 एकड़ जमीन का ऊपर ये मंदिर है और ये मंदिर रेडी हुआ है सब लोग दक्षिणा देकर, जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते इधर मन्नत मानते है और उनका मन्नत पूरा होकर दक्षिणा दान करते है। पिछली बार गवर्नमेंट से ऑफर आया हुआ है कि मंदिर पूरा पूरे हम ठीक ठाक कर देंगे और इसके लिए आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन 7 गांव के आदमी मिलकर मतलब कमेटी लोग मिलकर ये जवाब दिया है नहीं हम गवर्नमेंट को नहीं दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बार दे दिए तो पहले जैसा कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा। जैसे कि बाहर का प्रसाद लेके जाके पूजा दे देना बिना टिकट के अंदर जाना, और यही बात अगर गवर्नमेंट को दे दिए तो बिना टिकट के ना तो अंदर जा सकता है ना तो बाहर का प्रसाद अंदर ले जा सकता है। इसके लिए 7 गांव का जो कमेटी से सब लोग साफ साफ मना कर दिया है और यही बात के लिए कमिटीज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पर हमारा कुचबिहार जिले के अंदर एक भगवान विष्णु के मंदिर है वो है यही मंदिर, और इस मंदिर में 12 साल के बाद बाद एक यज्ञ होता है जो कि अपना आप सूर्य से आग लगाता है होमा पर। तो यही था आज का ब्लॉग। कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारा फेसबुक से अगर कोई दोस्त देख रहे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। धन्यवाद।